अभी हम सब कहलगांव जा रहे हैं और वहाँ से जल लेकर पूजा चौकी में महादेव रंग आएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि रथों का भीड़ है। हम नहा के निकल चुके हैं, निकलेंगे यहाँ से, देख सकते हैं कितना भीड़ है। सब तो नहा करके निकल चुके हैं, हम सब थोड़ा लेट से नहाए और हो गया अब नहाया हुआ और निकलेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार 2 घंटे के चलने के बाद हम सब 10 किलोमीटर पार कर चुके हैं और यहाँ विश्राम करने के लिए एक स्थान है, यही रुकने वाले हैं और सब रुक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है डीजे गाड़ी आ चुका है और आप सब यहाँ का जो भीड़ देखकर तंग रह जाइएगा। तो बने हुए वीडियो में आप देखिए कि किस तरह भक्तजन, बहुत सारे भक्तजन जो है डीजे के पीछे पीछे, तो कुछ लोग आगे आगे जा रहे हैं और नाचते कूदते हुए जा रहे हैं। सभी लोग देख सकते हैं इस तरह से भक्तजनों का जो है मनोबल बढ़ा हुआ है और वो सब लगातार पैदल ही चल रहे हैं। और ये कारक है 54 फीट का, जो कि आप सबको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और ये कहलगांव से लेकर मिर्जा चौकी महादेव रंग जा रहे हैं। अभी श्री नारायणपुर में रुके हुए, थोड़ा देर विश्राम करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हम सब जो है महादेव रंग रास्ते में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत देर चलने के बाद अब जो है हम सबको थोड़ा सा मौका मिलेगा बैठने को। अभी तो हम सब जा ही रहे हैं, जब पहुंच जाएंगे तब वहां पर कांवर को रखेंगे और उसके बाद जो है जल चढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा विश्राम करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। अभी तो महादेव रास्ता में घुसे ही हैं और देख सकते हैं कि कांवर को पकड़ने वाले कितने लोग भक्तजन सब पकड़े हुए हैं। और ये 54 फीट का कांवर है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिए कि किस तरह से। अब हम सब मंदिर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं मंदिर का ये नज़ारा। आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से मंदिर सजा।